अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीक्यूज प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सेल टैक्स एक्ट 1990 की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो पीछे हमने तकरीबन 10 या 11 डेफिनेशंस क्लियर की हैं, और जिसमें लास्ट टाइम हमने क्लियर की थी कंपनी, और आज हम क्लियर करेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम। तो आए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। व्हाट इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम? अब देखिए, कंप्यूटराइज सिस्टम क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा है कि हर एक कॉन्सेप्ट का अगर आपको वो क्लियर नहीं हो रहा तो आप उसकी मीनिंग निकालें, वर्ड की मीनिंग निकालें, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर हम इसके डेफिनेशन एक्ट के तहत पढ़ेंगे तो वो ये है, means any comprehensive information technology system to be used by the board for the purpose of this act। अब देखें, इस एक्ट का जो मकसद है अगर हम उसको क्लियर करें, या उसके तहत जो उन्होंने कोई कंप्यूटर सिस्टम लाया है तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। लेकिन याद रहे, डेफिनेशन से MCQs जो निकाले जाते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, पिछली तकरीबन सारी वीडियोस में मैंने आपको टेक्निक बता दी है, लेकिन अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव का कंप्लीट जो मतलब होता है वो है कंप्लीट, दैट इंक्लूड सारे डिटेल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, पूरी तकरीबन जितनी भी एक जो रिटर्न बंदा करता है अपने टैक्स का, या अपने टैक्सेस की जितनी रिकवरी वगैरह, सारा कुछ उस जो प्रोफार्मा वगैरह जो भी फिल करना होता है एक रजिस्टर्ड पर्सन का FPR के पोर्टल पे, तो उसमें जितना भी सिस्टम दिया गया है वो कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि उसको नाम भी अलग दिया गया है क्रिस्ट का, तो हम वो भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम है, तो हम इसलिए इसको ही कवर करेंगे। अब देखें, जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है, डैश मींस एनी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम टू बी यूज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब दिस एक्ट मतलब सेल टैक्स एक्ट, ठीक है ना। अब उसके तहत अगर कोई सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटराइज का, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, तो आगे हमने क्वेश्चन बनाया है आपके क्लियरेंस के लिए। डैश मीन्स एनी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, तो क्या है? अब देखें, क्रिस्ट भी है, कंप्यूटर सिस्टम भी है, CTIN भी है, नन ऑफ दीस है। अब देखें यहाँ, क्योंकि ये अगर डेफिनेशन आपको याद होगी तो आप क्रिस्ट नहीं करेंगे, आप करेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम। अगर चे वो ये कहते हैं कि भाई जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को एक जो नाम दिया गया है, ठीक है ना, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसको क्रिस्ट नाम दिया गया है, या उसका जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग होती है उसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? क्रिस्ट दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कंप्यूटराइज सिस्टम का समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए कंसेप्ट में अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।